चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, अनुभव से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 122 है, जो कि आगरा यूपी से हैं। तो अनुभव, सबसे पहले तो 122 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर आपकी हेल्प इतनी हुई है ना थ्रू आउट द ईयर, आपने बहुत हेल्प करी है, डिसिप्लिन आपने सिखाया, सारा करिकुलम आपने बताया, तो सर आपके लिए बहुत थैंक यू। और फैमिली ने भी सर थ्रू आउट द ईयर बहुत हेल्प करी है, सिस्टर ने, मदर ने, फादर ने, खाना वाना सब उन्होंने करा। घर पे बैठ के मेरे को इतना काम था, 1 साल पढ़ाई करो अच्छे से, पूरा सपोर्ट है, कोई टेंशन की बात नहीं थी, और आप सर मोटिवेट करते ही थे, तो बस सर। तो बिल्कुल सही है। तो अनुभव, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप अपनी इंटायर सक्सेस जर्नी बताओ, कब आपने सोचा कि निमसेट करना है, कौन से ईयर में, सर फिर किस तरह से आपने प्रिपरेशन की, कुछ चीजें तो आपने बता दी, पर अब वो डिटेल में मैं चाहूंगा आप बताओ। सर तो पहले तो मेरा मेन यही था कि थर्ड ईयर तक निमसेट का ऐसा सीन था नहीं, लेकिन फिर ये हुआ कि निमसेट का बना कि चलो दोस्त से पता चला कि एमसीए कर सकते हैं एनआईटी से, तो ये रहा कि चलो ठीक है निमसेट करते हैं प्रिपरेशन। लास्ट में मैंने सर मैजिकल कैप्सूल वाला कोर्स लिया था, तो सर ऐसा रहा, फिर वो कोर्स लिया, मेरे को काफ़ी चीज़ें पता चली, शॉर्ट ट्रिक्स पता चली, वो मेरे को पहले पता ही नहीं था कि अच्छा हम लोग क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर वो सब करा। लेकिन सर ये था कि मैंने उतना वर्क पुट इन ही नहीं करा था, तो मेरे मार्क्स एज सच कोई बहुत अच्छे आए नहीं थे, रैंक भी 3000+ थी, तो फिर ये हुआ कि अच्छा ऐसा करूंगा कि मैं ड्रॉप लूंगा, और मेरे को पता है कि मैं क्लियर तो कर लूंगा, इतना मेरे को आइडिया था, तो फिर ये हुआ कि चलो ड्रॉप लेता हूँ एंड आई विल क्लियर द एग्जाम। और सर से जुड़ना ही था क्योंकि सर आपसे पहले ही जुड़ चुका था, तो मेरे को ये था कि सर से जुड़ूंगा, टेस्ट सीरीज पूरा एकदम जैसे सर बोलेंगे वो फॉलो करूंगा। तो सर जैसे ही फिर लिया टेस्ट सीरीज आपका, फिर कोर्स लिया, फिर आपसे जैसे जैसे लेक्चर्स हुए, पढ़ा, पूरे टेस्ट दिए, तो सर धीरे धीरे करके वो स्लोप बनता गया। तो वही सर पूरा आपकी जर्नी, मतलब जो जैसे आपने सबको सर इतना मोल्ड किया है, तो सर वही उसी का भी एक प्रोडक्ट मैं भी हूँ कि आपने सर थ्रू आउट द ईयर हम लोगों को जैसे जैसे टिप्स बताई और टेस्ट के एनालिसिस हुए और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट आपने कंसेप्ट समझाए जो कि मेरे को पहले पता ही नहीं थे। मैंने 12th में भी पढ़ी है मैथ्स अच्छे से और मार्क्स भी ठीक थे मेरे, तो मेरे को यह था कि मेरे को तो आती है मैथ्स, लेकिन सर कई चीज़ें ऐसी पता चली आपसे कि अच्छा ये भी तरीका होता है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का, ईजी तरीका, ये बहुत सारी चीज़ें सर ऐसी थी जो मेरे को पता ही नहीं थी पहले। तो बिल्कुल सही बोला अनुभव। अच्छा अनुभव ये बताओ, और एक्चुअल में जो मैजिकल कोर्स होता है ना, उससे जब बच्चा कनेक्ट होता है तो वो ये जान पाता है कि क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच क्या है, या इंपेटस को जान पाता है, वो कोर्स का पर्पस भी यही होता है। जी सर। और कई बच्चे उसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म करके रिजल्ट भी देते हैं। जी सर। पर जो बाई चांस नहीं देते, पर उन्हें ये समझ में आ जाता है कि कंप्रोमाइज नहीं करना है, और आपने सीधा सीधा 3000 रैंक से 122 रैंक पे पहुंचे, ये एक अचीवमेंट है आपका। तो जब आपने ड्रॉप का मन बनाया तो पूरे इंटायर ईयर कहीं कोई डर आया या कहीं ऐसा लगा कि ड्रॉप लिया तो कहीं साल को लेके कुछ होगा कि नहीं होगा, वो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करो। जी सर, स्टार्टिंग में तो थोड़ा था कि अच्छा मैं पूरा एक ईयर अपना इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ इस चीज में, वेस्ट नहीं बोलते, सर ने भी ये चीज बहुत बार करेक्ट करी हमको कि वेस्ट मत बोलना कि सर एक ईयर वेस्ट करूंगा मैं अपना, ये नहीं बोलना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप आगे से आज से 50-70 साल अपने सोच के चलना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। तो सर ये था कि हाँ मैं इन्वेस्ट करूंगा, और आपने सर मोटिवेशन थ्रू आउट द ईयर दिया, जब भी थोड़ा लगता था कि नहीं यार इस बारे टेस्ट में अच्छा नहीं आया मार्क्स, या मेरी ये वाली अभी थोड़ी क्लासेस पेंडिंग हो गई, तभी तबीयत खराब हो गई, तो सर एक डिटर्मिनेशन अंदर से आपको देख करके आ जाती थी कि अगर सर इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सर रोज़ रोज़ वीडियोस दे रहे हैं, सर रोज़ रोज़ टेस्ट के एनालिसिस दे रहे हैं, तो सर अंदर से अपने आप आ जाता था कि नहीं यार मेरे को भी करना है, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं, और मेरे को ऑब्वियसली बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाना है, तो सर अंदर से ये वाली मोटिवेशन हमेशा रहती थी कि नहीं 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 मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करना है, आज इस वाले टेस्ट में अच्छी नहीं आई, नेक्स्ट टेस्ट में मैं और बेटर परफॉर्म करूंगा। तो सर एज सच डिमोटिवेशन कभी नहीं हुआ, क्योंकि सर आपसे जुड़े हुए थे, तो सर मोटिवेशन तो सर आपसे अच्छा कोई दे ही नहीं सकता, तो वो सर मेरे को कभी थ्रू आउट द ईयर एज सच इतना लैक हुआ नहीं मोटिवेशन। थैंक यू बेटा। तो अनुभव ये बताओ मुझे कि जब आप इस बार एग्जाम देने गए और एग्जाम दे रहे थे, पैटर्न थोड़ा अलग था नो डाउट, तो क्या मन में थॉट आया और किस तरह से पेपर को हैंडल किया, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ जूनियर बच्चे अभी से इस बात को समझे, इसलिए मैं हर बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपका पेपर हैंडलिंग का अप्रोच क्या था, तो वो जरूर बताओ आप। सर स्टार्टिंग में तो ऐसा था, जैसे हम लोग जब पहले ये वाला पैटर्न डिसाइड नहीं हुआ था, तब हम लोग नॉर्मली देते थे अपना 2 घंटे का ओवरऑल, तब सेक्शन वाइज कुछ था नहीं, तब सर ये था कि राउंड्स वाली चीज स्टार्ट आपने बोली थी कि राउंड्स करके ऐसा पेपर देना स्टार्ट करो, तो सर धीरे धीरे करके स्टार्ट करा था मैंने, लेकिन उससे मेरे को उतना रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर मैं वापस अपने उस पर आ गया। फिर जब जैसे ही सर आपने सेक्शनल वाले स्टार्ट करे, जनवरी के राउंड आपने हमारे यहाँ तभी हो गया था स्टार्ट, तो सर जैसे ही वो स्टार्ट हुए ना, मेरे को वो राउंड्स वाली चीज़ याद आई कि सर ने बोला था वो करना है, तो फिर मैं राउंड्स में देने लगा ना, तो सर मेरे को अपने आप स्कोर इम्प्रूव होता हुआ दिखा कि हाँ मेरे 500 से एकदम 600 पहुंच गए या 700 भी पहुंच गए कभी कभार, तो सर वो चीज़ मेरे को काफ़ी हेल्प करी मेरे हिसाब से कि राउंड्स में मेरे को करना चाहिए पेपर। फिर आपने सर बहुत सारी चीज़ें जैसे बताई, सबसे पहले मैथ्स को ओवरऑल आप कर लो कि सबसे पहले इजी 15-20 क्वेश्चंस आप ढूंढ लो, तो सर वही फाइनल एग्जाम में यही था कि
और कुछ नहीं देखना है मेरे को, जितने मैथ्स में मैं क्वेश्चंस ढूंढ सकता हूँ सबसे इजी फर्स्ट राउंड में, मैंने वो ढूंढे। वो ढूंढने के बाद जब वो मिल गए, फिर मेरे को ये लगा कि अच्छा मेरे को बाद के जो भी सेकंड राउंड के क्वेश्चन है जो मैंने पहले ही देख लिए थे कि हाँ मेरे को ये सेकंड राउंड में करने, फिर सर वो वाले करे। थर्ड राउंड में सर बहुत कम वैसे छोड़े थे क्योंकि मेरे को कुछ कुछ क्वेश्चन में डाउट ही हो रहा था, जैसे एक एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, तो फिर उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके वो मेरे को लगता है मैंने अच्छा काम किया क्योंकि मेरे को दिख गया था कि ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो फिर ये सारी चीजें सर थ्रू आउट द ईयर कंडीशन आपने कराया, आपने बताई हैं चीजें, तो LR में भी सर यही था मेरे को। थैंकफुली सर LR में जो पजल्स थी वो मैंने, आपने जैसे स्टार्टिंग से बताया कि लास्ट में करना एकदम पजल्स, तो सर वो लास्ट में करी और LR में मेरे 154 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे, तो और लोगों मैथ्स में को कितने थे? मैथ्स में सर 273 थे मेरे, ओके तो LR में मेरे को सर वो चीज़ काफ़ी हेल्प करी। तो ये सर ओवर द ईयर सर मैंने डेवलप कराया क्योंकि सर एकदम से अगर एक दो महीने में आप प्रैक्टिस करो तो, थैंकफुली ये चीज़ बहुत अच्छी करी है अपने निमसेट ने कि पेपर का पैटर्न अब ऐसा कर दिया ना कि अगर आप पूरा नहीं पढ़ोगे, लास्ट का एक मंथ सोच के आप कर लो कि एग्जाम का दे दूंगा हो जाएगा, वो चीज़ नहीं होगी अब। तो ये चीज़ सर बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से, तो ये पैटर्न जो अब कर दिया है, और ओवरऑल आपको पूरा साल प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, नहीं तो बेसिक कंसेप्ट पूछे थे, क्वेश्चन इतने टफ थे नहीं, तो आप जब तक बेसिक्स नहीं अपने क्लियर करोगे तब तक आप कर नहीं सकते इस चीज़ को। तो बिल्कुल सही बात है कि जो नया पैटर्न है, एक तो ये बोलता है कि आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है, पहला प्लस पॉइंट। दूसरा, साल भर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना और बेसिक और करना है। इसलिए पता आपको, मैंने इस बार नए 25 और 26 के बैच में 9th 10th हमेशा बोलता था ना आपसे, पढ़ो। इस बार मैं बोल नहीं रहा पढ़ो, इस बार मैं कह रहा हूँ पढ़ना है और मैं उसके टेस्टिंग लूंगा। तो जो संडे को टेस्ट होगा उसमें पहले 9th 10th का, मतलब मुझे पहले ही देखना है जो ग्रेजुएट बच्चा है उसके 9th 10th के मैथ्स के जब टेस्ट हों तो उसमें उसके क्या मार्क्स आते हैं, बेसिक क्वांट में क्या मार्क्स आते हैं, बेसिक LR में क्या मार्क्स आते हैं। अगर वो यहाँ नहीं ला पा रहा है तो फिर आगे की चीजें कैसे होगी। तो सही बात। ये जो पैटर्न है वो निमसेट का जो लेवल चेंज हुआ, दूसरा कॉम्पिटिशन बढ़ गया, अपेयरिंग कैंडिडेट बढ़ गए हैं, प्लेसमेंट क्योंकि बहुत हाई हो रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे को सही में साल भर पढ़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही मैसेज दिया आपने, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा ये बता, आपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर जूनियर्स को तो यही है क्योंकि मैं ड्रॉपर था, तो मैं ड्रॉपर्स के पर्सपेक्टिव से हाँ थोड़ा उसी बेटर पॉइंट है बता मुझे। सकता हूँ। तो मैं ये बोलूंगा कि जब भी आप ड्रॉप का डिसाइड करो तो टेंशन मत लेना कि यार मेरा एक ईयर बहुत ज्यादा होगा, आप आगे का सोच के चलो। अब अगर आप आज किसी प्राइवेट में ये वो सोच लोगे कि ठीक है मैं किसी प्राइवेट छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में ले लूँ, फिर आपकी प्लेसमेंट भी उतनी अच्छी होगी नहीं। आप ये सोच के चलो कि आज से 50-60 साल बाद मेरी कितनी अच्छी लाइफ होगी या मेरे को कितना अच्छा अपनी फैमिली के लिए मैं कर लूंगा, तो एक साल उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करो। सर से जुड़िए, सर तो फिर रैंक तो दे ही रहे हैं सर सबको, इतनी अच्छी अच्छी रैंक्स आई हैं सर के यहाँ से, तो ये जुड़े और सर से जो भी सर बोले ना उसको फॉलो करना। एक्स्ट्रा आपको करना है आप कर सकते हो, कोई बात नहीं है, सर जितना बोले उतना तो करना ही है। आप ये मत सोचना कि सर बोल दिया ये चीज़, अच्छा मैं आधी बात सर की सुन लूँ फिर आधी मेरे मन में आ रही है, अच्छा नहीं आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिया आज छोड़ देता हूँ, ये मत करना। जितना सर कोचिंग में पढ़ाएं उतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कर सकते हो। आपको आपको बुक बुक लगानी हो, वैसे तो मैंने नहीं लगाई थी कोई बुक, ले ली थी लेकिन टाइम नहीं मिला लगाने का, सर की शीट्स वीट्स प्रैक्टिस कर ली थी उससे हो गया था काम। तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि सर को फॉलो करो और अपना दिमाग थोड़ा कम चलाओ, सर जितना बोले उतना करो, एक्स्ट्रा कर सकते हो तो अच्छा है, मेरा यही अनुभव, अभी मैसेज। आपने एक बिल्कुल सही बात बोली। मैं इतने सारे बच्चों के इंटरव्यू सेशन लिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का कहना है कि सर हमने कोई गाइड ली जरूर थी पर लगाई नहीं, जी सर और जो मटेरियल था वही पूरा नहीं हुआ तो गाइड की जरूरत नहीं पड़ी। वो बात आपने ही बोली, पर कई बच्चे इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है अगर गाइड नहीं की, कई बार आप सुनते भी हो ना कि अरे RD नहीं की, कई कोई कोई बोल भी देता है डराने के लिए, कई लोग यूट्यूबर पर भी बोल देते हैं कि RD नहीं की, हरियत नहीं की तो नहीं होगा। तो ये आप ने जो बताया ये बात बिल्कुल सच है, बात ये बात बच्चों को आप बिल्कुल क्लियर करो कि क्या इम्पोर्टेंट है। जी सर सर ये तो फिर मेरे से ऊपर वाले रैंकर वाले भी यही बोलेंगे क्योंकि सबकी रैंक आई है, हम लोगों ने नहीं इतनी कोई मैंने भी परचेस करी थी सेल्फ स्कोरर, और इनफैक्ट मैंने सर से डांट भी खाई थी, मैंने सर को मैसेज करा था, सर सेशंस लेते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, तो मैंने सर को मैसेज करा कि सर सेल्फ स्कोरर में ये वाला चैप्टर लगा लूँ, तो सर ने बोला था मुझे याद है कि देखो जो बच्चे करते हैं ना वो बोलते नहीं है और जो बोलते हैं वो करते नहीं है, तो ये पूछना छोड़ो, तुमको करना है तो कर लो उस चीज को, इतना बार बार क्वेश्चन मत करो सर मैं ये चैप्टर कर लूँ नहीं करूँ, तुम पे टाइम है करो, नहीं है टाइम मत करो, कोई बात नहीं सर की शीट्स तो कर ही लो, इतना था। बिल्कुल सही बोला अनुभव। तो अनुभव, अभी आपकी सिस्टर आई हुई है जी सर तो मैं चाहूंगा कि उनको भी बुलाऊं, वो जी आपके सर बारे में कुछ बहुत सारी जी और सर भी चीजें बताएंगी। जी सर तो सबसे पहले तो आपको अनुभव की रैंक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू अभी थैंक यू मेरी आपसे सर। 2 मिनट पहले ही बात हुई है, बस जी उतनी बात हुई है, तो सबसे पहले बताइए कि अनुभव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
वो थोड़ा सा मॉडेस्ट है, ही इज ऑलवेज बिन अ गुड स्टूडेंट. उसके 12th में भी बहुत अच्छे परसेंटेज आए थे, ही ऑलमोस्ट टॉप्ड हिज स्कूल, 97-98% थे उसके. एंड हमेशा से बहुत शांत और बहुत डेडिकेटेड रहा है, बात ज़्यादा करता नहीं है. बट एक चीज़ मैंने ये नोटिस की कि आपसे जब से उसकी थोड़ी सी कॉन्टैक्ट है ना, खुल गया है थोड़ा सा, ज़्यादा बात करता है, अपने एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा से समझा. जैसे अभी उसने अभी जो इसने बोला, जो जो बोला, कई बार लोग यहाँ पे आते हैं कई बार नहीं बोलते हैं वो, पर उसके अंदर का कॉन्फिडेंस दिख रहा था वो. हाँ, और अगर आप इसी चीज़ में अगर आप कुछ टाइम पहले से अगर देखते उसे, तो आप कहते कि ये कोई और अनुभव है और मैं किसी और अनुभव को जानता हूँ. तो सबसे बड़ी बात तो उसके लिए भी बहुत थैंक यू. अपार्ट फ्रॉम द रैंक एंड ऑल द प्रिपरेशन दैट यू हैव डन, वो तो अलग ही चीज़ हो गई, बट उसे खोलने के लिए भी बहुत थैंक यू. हाँ, तो वो चीज़ भी बहुत है. उसके साथ उसका इंटरेक्शन इतना बेटर हो गया, वो समझा पा रहा है. जैसे अभी आपने उसे कहा ना, जूनियर्स को मैसेज दो, तो हमें घर पे से बोलना पड़ता है कि प्लीज थोड़ा गैदरिंग में जाओ, बात करो. लेकिन आपसे मिलके उसे ये बहुत वो हुआ है, प्लस डिसिप्लिन उसमें बहुत आ गया है. पहले थोड़ा सा ये था कि लेजी था थोड़ा, लेकिन अब बहुत उसमें वो चीज़ है. उसे उठना है, उसे अपना काम करना है, 2 बजे टेस्ट देना है, तो वो देता है. आपने उसे कहा था कि थोड़ा सा एक एटमोसफेयर को सेट करो, थोड़ा सा मेडिटेट किया करो, अच्छे से रहा करो, प्रैक्टिस किया करो, प्रिपरेशन करते रहा करो, मतलब ध्यान लगाओ. तो उस चीज़ को उसने बहुत अच्छे से फॉलो किया है पूरे टाइम, कि उसने एक सेट टाइम पे बैठ के एक सेट, मतलब कई 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 बार जब उसे नींद आ रही होती थी तो पंखा बंद कर देता था, ये बोल के कि गर्मी लगेगी तो मैं सोऊंगा नहीं गर्मी, और अगर मैं कंफर्ट में हो गया तो मेरे को नींद आ जाएगी, मैं सो जाऊंगा, ये हो जाएगा. तो ये करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. आई थिंक उसको लाइफ टाइम ये चीज बहुत काम आएगी कि परसिवेरेंस से, डेडिकेशन से, रेजिलियंस से कैसे काम किया जाता है. तो दैट इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट हिम. बिल्कुल, थैंक यू. और एक्चुअल में जो अभी आपने बात बोली, मेरा ये मानना, जैसे मैं जो बोलता हूँ बच्चों को, वो चीजें बच्चे इतनी जल्दी ट्रांसफर उनमें इसलिए भी होती है क्योंकि मैं खुद भी उसी ढंग से चलता हूँ. और मैंने एक बार इनको स्टोरी सुनाई भी, और वो स्टोरी मेरी लाइफ में बहुत काम आती है. मैं आपको भी सुनाता हूँ कि एक बार एक बूढ़ी सी औरत स्वामी विवेकानंद जी के पास आई और उन्होंने बोला कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, तो वो आप उसका गुड़ छुड़वा दो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खाता है. तो उन्होंने बोला कि विवेकानंद जी ने कि ठीक है, एक हफ्ते बाद आना, मैं छुड़वा दूंगा. तो एक हफ्ते बाद फिर गई तो गुरु जी ने बोला कि एक हफ्ता और रुक जाओ. फिर वो एक हफ्ते बाद गई तो एक हफ्ते बाद जब वो गई तो गुरुजी ने बोला कि जाओ बेटे को बोला गुड़ छोड़ दे, वो छोड़ दे. तो उसको गुस्सा आ गया कि ये बात तो आप 15 दिन पहले भी बोल सकते थे. तो स्वामी जी ने बोला कि मुझे खुद भी बहुत आदत थी, तो पहले मैंने सोचा कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं. तो वो बोले एक हफ्ते बाद मेरे को नहीं हुआ था इसलिए मैंने, पर आज मुझे लगता है. जैसे मैं बच्चों को चाहता हूँ कि वो बहुत एनर्जेटिक रहें, सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, पढ़ाई करें, पर अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो कम से कम ये चीज मुझे भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए मेरे अंदर. तो ये अनुभव आपने बहुत अच्छी सीखी, और अब मुझे लगता है आपके इस अनुभव से, आपका नाम भी इतना अच्छा है, तो बहुत लोगों में चेंज हो जाएगा. और दूसरी बात, अभी आपने बताया था आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आई थिंक कि मुझे लगता है बहुत जल्दी हम आपका एक इंटरव्यू फिर लेंगे. और अब मैं लूंगा इसलिए कि आप यूपीएससी में क्वालिफाई कर गए, क्योंकि यूपीएससी में मेरा ये मानना है कि सबसे कम कॉम्पिटिशन. अगर इंडिया के मैं 5 सबसे सिंपल एग्जाम मानता हूं, तो उसमें एक यूपीएससी, एक कैट, ये ऐसे एग्जाम है जो आईआईटी, नीट, ये बहुत सिंपल एग्जाम है. बिकॉज इसमें कंपटीशन के लिए बच्चे बहुत अपेयर होते हैं, तो जितने ज्यादा अपेयरिंग होंगे उतने ज्यादा निगेटिव होंगे. जी, तो पॉजिटिव लोगों की संख्या बहुत कम है, निगेटिव की ज्यादा है. तो आप इसमें डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे, और अनुभव आपका ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है. ऐसे आप बहुत आगे भी तरक्की करो, ग्रो करो. Once again, congratulations, और आपको ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच सर. अगर मैं कुछ एक बिल्कुल बोलिए सर, तो इसने मैसेज दिया टू द स्टूडेंट्स, मैं एक मैसेज फैमिलीज को देना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इसकी प्रिपरेशन देखी है 1 साल और इससे पहले भी देखी है. तो हार्डवर्किंग तो वो हमेशा रहा है, तो हर बच्चा हार्डवर्किंग होता है, पर सबके लेवल्स अलग अलग होते हैं मैं समझती हूँ, और फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है. अगर मैं उसे डेली सुबह सुबह उठ के कहूँ कि तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, उठो पढ़ो उठो पढ़ो, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके अंदर मोटिवेशन आएगा पढ़ने का, बस प्रेशर बढ़ेगा. और प्रेशर बढ़ने से कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता. जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो अपने मैटर मटेरियल को लेके, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो अपने रूटीन को लेके, तो ये मैं एक चीज समझती हूँ कि फैमिलीज का बहुत बड़ा रोल होता है हर ड्रॉपर स्टूडेंट की प्रिपरेशन में. एटलीस्ट वो लोग जो घर पे ही रह के पढ़ रहे होते हैं, या तो उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है. कि अपने बच्चे को आप ये नहीं कहें कि तुम्हारी इतनी रैंक क्यों नहीं आ रही, इतनी क्यों आ रही है. जैसे इसके भी टेस्ट के मार्क्स से कभी कभी हमें बताता था, तो कभी मेरे पेरेंट्स ने या मैंने इसे ये नहीं कहा कि आज इतने मार्क्स क्यों आए, आज इतने क्यों नहीं आए, क्योंकि आपको नहीं पता कि पेपर, आप उसकी जगह पे नहीं हो, यू हैव नॉट वॉक्ड इन देयर शूज.
तो मैं ये समझती हूँ कि हर फैमिली जो ड्रॉपर हो या नॉन ड्रॉपर हो सपोर्ट कीजिए, और ऑब्वियसली उसका उसका फ्यूचर है, उससे ज्यादा कौन उसको लेके कौन चिंता करेगा। आप उतनी चिंता कभी नहीं कर पाएंगे जितना वो बच्चा खुद चिंता कर रहा होगा। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट मैसेज था जो नहीं, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, और मैं इस पे कुछ बोलना भी चाहूंगा, क्योंकि ये जो आप बात बोल रहे हैं ना, करीब करीब 60-80% पेरेंट तो इस बात में सपोर्ट करते, नंबर नहीं आते। इनफैक्ट मैं इतने सेशन लूँगा लिए अभी पेरेंट्स ने बोला, पर कई बार पेरेंट्स मुझे बच्चे मैसेज भी करते हैं कि सर वो टेस्ट में स्कोर कम आए, पेरेंट पूछते हैं फिर वो डांटते हैं जी। ये बहुत कॉमनली भी होता है, ये 20-30% पेरेंट तो मैं बोलता हूँ स्कोर बताना छोड़ दो जी। या भोपाल में जो बच्चे आके पढ़ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको ऑनेस्टली, ये बच्चे जानते हैं कि कुछ बच्चों का मैं इसी बात के लिए काउंसलिंग करनी पड़ती थी कि नंबर कम आए तो पेरेंट्स ये बोल देते थे तुम्हारे अभी नहीं आ रहे तो क्या होगा, तो बोलता था आप नंबर बताना छोड़ दो, बोलते थे वो पूछते ही यही है। तो मैं फिर कई बार उन पेरेंट्स से मैंने बात भी करी कि अगर आप रोज ही नंबर पूछेंगे तो बच्चा नंबर लाएगा कैसे, क्योंकि वो कुछ सीख रहा है। तो लर्निंग प्रोसेस में मैं उनको बोलता था ऐसे 100 टेस्ट मिलके एक बनेगा ये कर लेगा, आप थोड़ा तो उसको वेट करने दें। तो ये बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया, बहुत जरूरी है कि हर पेरेंट जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं बच्चे को पढ़ता हुआ देखें, उसको खुश देखें। सबसे पहली चीज तो वो खुश रहे, हेल्दी रहे, मेंटली हेल्दी रहे, अपनी पढ़ाई रेगुलर करता रहे। अगर वो पढ़ेगा तो एक ना एक दिन सफल जरूर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये जो बात बोली इन्होंने, मैं आप सभी पेरेंट्स को भी बोलूंगा कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, कोई जरूरी नहीं कि एमसीए की बात, मैं जनरल बात बोल रहा हूँ, तो उसका आप हर लेवल पे सपोर्ट करिए। जब वो टेस्ट में स्कोर कम लाए, जब आपकी ज्यादा जरूरत है उसकी, उसको और पॉजिटिव काउंसलिंग करिए, डेफिनेटली वो उस अगले टेस्ट में नंबर लाने लगेगा। ये मेरा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और आपने अच्छा रहा, सही बात बोली। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।